जन्नत से निकाले हुए इंसान। बेटी ने कहा, बाबा जे डॉट का कुर्ता ले लें। नहीं, यहाँ से नहीं, फजूल के महंगे होते हैं। मेरे दिल के चोर ने जुनेद जमशेद को कभी माफ़ नहीं किया। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे। मैं एक मजहबी माहौल में बड़ा हुआ जहाँ मौसीकी सुनना अच्छा नहीं समझा जाता था। मौसीकी से मेरा पहला तारुफ दिलदिल पाकिस्तान ही था। फारिगुल बाली हो, इश्क का बुखार हो या ज़िंदगी की रफ्तार, उसकी आवाज़ साथ ही थी। फिर इसने म्यूज़िक छोड़ दी, दाढ़ी रखकर मौलवी बन गया और तबलीग शुरू कर दी। इसका ये रूप मेरे दिल के चोर को कबूल नहीं था। उस चोर ने कभी उसे माफ़ नहीं किया। फिर मैंने भी मौसीकी सुनना छोड़ दी, मगर जब भी सुनता था उसे ज़रूर सुनता था। मैंने गौर किया, ऐसा क्या था कि अल्लाह ने करोड़ों लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल रखी थी। ये इसका नसीब था जो कम लोगों का होता है। हम सब रब की जन्नत से निकाले हुए इंसान हैं। न हम अपने नफ्स को नज़रअंदाज कर पाते हैं और ना ही रब का दामन हाथ से छोड़ते हैं। हम में से कोई भी कामिल नहीं। हम में इस बात का एतराफ़ करने की हिम्मत नहीं है। हम गलतियाँ करते हैं, इन्हें छुपाते हैं अपने आप से भी, और इसी तरह रफ्ता रफ्ता मुनाफिक बन जाते हैं। इसमें यह हिम्मत थी, इसकी कहानी में हम सब की कहानी है। इसने एक रंग बिरंगी ज़िंदगी को छोड़ा और अल्लाह के रास्ते में नगर नगर फिरता रहा। जाने वाले अल्लाह की रहमत में चले जाते हैं। इनकी खूबियों को बेहतरीन अल्फाज में याद करना चाहिए।